अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। सबसे बड़ी खुशखबरी ये आई कि टीम में आ गए विराट कोहली, रोहित शर्मा होंगे कप्तान। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय आ रही है। टीम इंडिया का अफगानिस्तान सीरीज के लिए ऐलान हो चुका है। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को 11 तारीख से अपने ही घर पर 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। और बड़ी बात यह है कि यही वो आखिरी 3 T20 मैच है जिसके बाद सीधा हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले और कोई भी T20 सीरीज टीम इंडिया नहीं खेल पाएगी। इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो इसी T20 सीरीज में करने होंगे। इसी वजह से BCCI ने एक तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया है कि रोहित शर्मा ही T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे और साथ ही साथ उस टीम में विराट कोहली भी होंगे, क्योंकि रोहित और विराट के बिना टीम इंडिया अधूरी है। यह हमें पहले से ही पता चल चुका है। नए लड़कों के भरोसे हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, ये अब BCCI को भी पता चल चुका है। इसी वजह से जिस टीम का ऐलान हुआ है उसमें रोहित और विराट दोनों हैं। सबसे पहले हम आपको पूरी टीम इंडिया के स्क्वाड से रूबरू करवाते हैं। टीम इंडिया इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार। अभी इस टीम में बहुत सारे बदलाव होने बाकी हैं, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर निर्भर करेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या फिर नहीं। अगर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप तक फिट हो जाते हैं तो वो भी खेलेंगे। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव की भी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। स्काई अगर फिट हो जाते हैं तो वो सीधा T20 वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएंगे। इसके अलावा ये भी साफ पता चल चुका है कि रिंकू सिंह को ही टीम इंडिया का फिनिशर माना जा रहा है। उन्हें नंबर 6 या नंबर 7 पर जरूर खिलाया जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से मैच फिनिश कर रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा हो या फिर यशस्वी जायसवाल या फिर जितेश शर्मा और संजू सैमसन, इन सभी के लिए इस मौके को भुनाने का पूरा मौका है। अगर इन्हें अपनी T20 की काबिलियत दिखानी है तो इस T20 सीरीज में प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले T20 सीरीज में एक भी मैच न खेल पाने वाले शिवम दुबे को भी एक और मौका दिया गया है। शिवम दुबे महेंद्र सिंह धोनी के CSK में पले बढ़े हैं। पिछले एक साल में महेंद्र सिंह धोनी ने उनको एक मैच विनर बना दिया है। तभी तो उन्होंने अपने बलबूते CSK को 2023 का IPL भी जिताया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शिवम दुबे को इस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएंगे। वहीं अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव, इन 4 स्पिनर्स को मौका दिया गया है। वहीं पेसर्स में अर्शदीप सिंह होंगे, आवेश खान होंगे और मुकेश कुमार होंगे। यानी कि मोहम्मद सिराज को भी आराम दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया है, दीपक चाहर को भी आराम दिया गया है। मतलब साफ है कि अभी ये T20 टीम अधूरी है। इसमें कम से कम 7 से 8 प्लेयर चेंज हो सकते हैं जिनका T20 वर्ल्ड कप में खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन बाकी यंग खिलाड़ियों के लिए ये मौका भुनाने का सबसे अच्छी सीरीज है। वैसे आप बताइए इस टीम पर आपकी क्या राय है, क्या आपको ये टीम पसंद आई या फिर इसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।